उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल विस्तार में भाई सुनील राउत को जगह नहीं मिलने से नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत के नए साल पर फेसबुक पोस्ट से सस्पेंस बढ़ गया है। राउत ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 भेंट दी हो, 7 समय और समर्पण। राउत के इस पोस्ट को शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ इशारे के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अब संजय राउत की FB वॉल पर यह पोस्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कयासबाजी होने पर संजय राउत ने पोस्ट डिलीट कर दी। बता दें कि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने में भले ही NCP अध्यक्ष शरद पवार की भूमिका अहम थी, लेकिन संजय राउत विधानसभा चुनाव परिणाम आने के दिन से उद्धव के मुख्यमंत्री बनने तक उनका पक्ष लोगों के सामने रखते रहे। BJP से 2.5 साल मुख्यमंत्री पद की मांग और NCP कांग्रेस से सरकार गठन के लिए बातचीत में राउत आगे आगे रहे। उद्धव से नजदीकी और सरकार गठन में अहम भूमिका को देखते हुए माना जा रहा है कि संजय के छोटे भाई सुनील को मंत्रिमंडल में जरूर जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना ने 3 निर्दलियों को मौका दिया, जिसके बाद संजय के नाराज होने की खबर सामने आई। सुनील राउत के भी विधायकी से इस्तीफे की खबर चर्चा में रही, लेकिन संजय राउत के सामने आए और उन्होंने कहा, हम लोग देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। पार्टी के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। सुनील राउत पक्का शिव सैनिक है। महाराष्ट्र में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी, इसका हमें गर्व है। इसके बाद माना जा रहा था कि राउत ने नाराजगी दूर कर ली है, लेकिन उनके नए फेसबुक पोस्ट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या संजय राउत अभी भी भाई को मंत्री ना बनाए जाने से नाराज है। हालांकि अब संजय राउत की FB वॉल पर यह पोस्ट दिख नहीं रहा है। संजय राउत के पोस्ट डिलीट करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।